अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट कलेक्शन। आज आपके लिए कर आए हैं डेकोरेशन से रिलेटेड एक और अमेजिंग आइडिया, जिसमें हम क्लासरूम डेकोरेशन को आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे। हम किस तरह क्लासरूम की वॉल्स को डिकोर कर सकते हैं, किस तरह उन पर डिफरेंट तरह के कोई डिज़ाइन लगा सकते हैं, किस तरह उन्हें कलरफुल बना सकते हैं, आपके साथ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल और ईजी बनने वाले आइडिया शेयर किए जा रहे हैं कि आप किस तरह अपनी क्लासरूम की वॉल को और डिकोर कर सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। डिफरेंट तरह की आर्ट को डिज़ाइन करके कोई भी अल्फ़ाबेटिक को लिखे, नंबर्स को लिखे, या इंग्लिश का कोई भी एक ऐसा थीम जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, या कोई भी एटमॉस्फेयर के लिए कोई भी एक ऐसी इंग्लिश की जो वर्ड्स हैं जो आप अपनी वॉल पर लिखना चाहते हैं, सो उसके आइडियाज़ आपके साथ शेयर लेके आए हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल आइडियाज़ हैं कि आपने किस तरह अपनी क्लासरूम की जो वॉल्स हैं उन्हें डिकोर करना है। कोई भी अगर कॉर्नर है क्लासरूम का तो उसे किस तरह डिकोर करना है, उसके आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं कि किस तरह अपने क्लासरूम की वॉल्स को खूबसूरत बनाना है, किस तरह उन पर डिफरेंट तरह के थीम को प्रेजेंट करना है। अगर स्टूडेंट्स को अगर आप वॉवल्स का कोई आइडिया देना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आप डिक्टेशन के कोई वर्ड्स लिखना चाह रहे हैं तो उसकी भी डेकोरेशन के थ्रू आप बनाकर बयान कर सकते हैं। या क्लासरूम में स्टूडेंट्स की कोई नंबर्स हैं तो वो अगर आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह क्लासरूम में डेकोरेशन के थ्रू आप बयान कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल आइडियाज़ हैं कि आप किस तरह साइंस के अगर कोई प्रोजेक्ट हैं वो किस तरह बयान कर सकते हैं। अगर कोई सूरज और बादल से रिलेटेड कोई साइंस का प्रोजेक्ट है तो आप किस तरह बयान कर सकते हैं। अगर उर्दू से रिलेटेड कोई डेकोरेशन है या उर्दू हर्फ के बारे में कोई आपने डेकोरेशन बनानी है तो आप किस तरह बना सकते हैं, उसके आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं कि आप अपनी क्लासरूम की जो वॉल्स हैं उन्हें किस तरह कलरफुल बना सकते हैं, फॉर्मिक शीट का इस्तेमाल करते हुए, ग्रे पेपर का, ग्रेस पेपर का, कंप्यूटर पेपर का इस्तेमाल करते हुए किस तरह अपनी क्लासरूम को और खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत ही इजीली आप डेकोरेशन की चीज़ों को कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बैलून की कोई शेप बनाना चाहते हैं तो आप इजीली उसे कटिंग कर सकते हैं। फ्लावर्स की शेप, अगर आप कोई थीम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो बहुत आसानी से आप वो चीज़ें बना सकते हैं। आप इजीली प्रिंट से कोई चीज़ निकालें और उसको पेस्ट करें और उससे आप इजीली कटिंग मार सकते हैं। बहुत ही आसान आइडियाज़ हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई देने वाले आइडियाज़ हैं जो आपके क्लासरूम को और कलरफुल बनाएंगे और खूबसूरत बनाएंगे कि किस तरह आपने अपने क्लासरूम को और मज़ीद कलरफुल बनाना है। जो प्री क्लासेस होती हैं ज़्यादातर फोकस उन्हीं की क्लासों पे किया जाता है ताकि उनकी क्लासेस और कलरफुल लगें। उनको जो भी आपने चीज़ समझानी है, कोई भी चीज़ पढ़ानी है क्लासरूम में, उसकी हर उनकी किताब से रिलेटेड कोई ना कोई डेकोरेशन बनी हो। लाइक उर्दू है तो उर्दू से रिलेटेड कोई ना कोई वॉल पे आपने कोई उर्दू से बनी हुई चीज़ बनानी है। मैथ है, अल्फ़ाबेट्स है, या नंबर्स हैं, या कोई भी एक डिक्टेशन के वर्ड्स हैं, अगर आप वो भी लिखना चाहते हैं तो आप उसको डेकोरेशन के थ्रू अपने क्लासरूम में लगा सकते हैं। फर्दर ये डेकोरेशन चेंज होती रहती हैं। जैसे आप अपनी क्लासरूम का फर्स्ट सेमेस्टर है तो हो गया, फर्दर जो फेज आएगा उसमें आपको अलग लगानी पड़ेंगी। बहुत ही आसान और बहुत ही कलरफुल आइडियाज़ हैं कि आपने किस तरह अपनी क्लासरूम की वॉल्स को डिकोर करना है। कोई भी थीम लेके चलें, फिश हो गई, ओवल हो गई, या कोई फ्लावर्स हो गई, बटरफ्लाई का थीम आ गया, या कोई भी एक ऐसा फेवरेट करेक्टर जो कि स्टूडेंट्स को पसंद होते हैं, बच्चों को पसंद होते हैं, वो अपनी क्लासरूम में बनाएं ताकि वो उन्हें देखें। और ट्राई करें कि इनके ऊपर आप कोई भी नंबर्स लिखें, कोई भी जो उनकी लर्निंग की चीज़ें हैं वो इसके ऊपर ज़रूर लिखें ताकि स्टूडेंट्स अगर उन चीज़ों को देख रहे हैं, उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो उस चीज़ों को लर्न भी करें, उनको बार बार पढ़ें। नंबर्स के बहुत आसान आइडियाज़ हैं कि अपनी क्लासरूम में किस तरह स्टूडेंट्स के लिए नंबर्स के आइडियाज़ को शेयर करना है। नंबर्स की डेकोरेशन के लिए आप कैटरपिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैटरपिलर शेप बना सकते हैं, ट्रेन शेप बना सकते हैं, या कोई भी एक फ्लावर शेप बनाकर आप उसमें लिख सकते हैं। अगर आप उन्हें वॉवल्स के बारे में बताना चाह रहे हैं तो आप कोई भी एक फ्लावर्स की शेप जो उनकी लीव्स होंगी, उनके फ्लावर्स की होंगी, उसके ऊपर आप वन बाय वन भी लिख सकते हैं। अगर आप कोई मौसम के हवाले से स्टूडेंट्स को फोर सीजन्स का आइडिया देना चाह रहे हैं तो उसकी डेकोरेशन भी आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स को शेप्स के बारे में बताना चाह रहे हैं तो शेप्स की कटिंग करके आप अपनी वॉल पे पेस्ट करें ताकि स्टूडेंट्स देखें कि सर्कल और ट्रायंगल शेप में क्या फ़र्क है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अमेजिंग आइडियाज़ हैं कि आपने किस तरह अपने क्लासरूम की वॉल्स को डिकोर करना है।
पेंट के थ्रू भी आप बना सकते हैं, मगर ट्राई करें कि फॉर्मिक शीट और ग्रे पेपर और ग्रेस पेपर का इस्तेमाल करें। अगर स्टूडेंट की पेंट क्लास है, मन के जो कि उनका एक्टिविटी रूम होता है, उसको आप डिफरेंट आइडिया से पेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह की और डिफरेंट अमेजिंग वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।